नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित भारत महिमा नामक कविता के भावार्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे भारत देश के विभिन्न पहलुओं की महिमा गाई है। अर्थात उन्होंने भारत में जितनी भी बखान लायक अर्थात प्रशंसा लायक चीज़ें हैं, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो, चाहे वो हमारी संस्कृति से हो, सभ्यता से हो, या क्या हमारे यहाँ पर इतिहास में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है वो हो, उनका उदाहरण देकर उन्होंने हमारे भारत देश की गौरव और महिमा का बखान किया है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे भारत के उत्तर दिशा में जो विशाल हिमालय पर्वत है उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार के उपमा का उदाहरण दिया है। साथ ही उस तरफ से होने वाली उषा अर्थात सुबह की सुंदरता का भी वर्णन किया है। कविता शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इस पंक्ति द्वारा कवि कहते हैं कि हमारे भारत की सुबह कैसे होती है। वे हिमालय को कहते हैं कि हिमालय के आंगन से सुबह निकलती है, और कैसे निकलती है, जिस प्रकार हमारे घर के आंगन में सुबह होती है और सूर्य की किरण हमारे घर के आंगन में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो देश है उसके आंगन की शुरुआत जो है हिमालय पर्वत से होती है। तो हिमालय के आंगन में जब सूर्य की किरणें जो है चमकती हैं तो वह जो उसका रूप होता है, उसकी वह सुंदरता होती है, वो कितनी मनोहारी होती है। तो प्रकृति ने हमारे देश को अर्थात हिमालय को किरणों का उपहार दे करके हमारे सुबह की शुरुआत करती है। उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और जैसे ही सुबह होती है तो ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति ने हीरक अर्थात हीरे का हार धारण कर लिया है। अब हीरक हार कैसे? दोस्तों, आप लोग को पता है कि जब रात होती है सर्दियों के मौसम में तो क्या होता है, ओस की बूंदें घास पर बिखर जाती हैं। अगर सुबह होती है और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें बिखरती हैं तो वो पानी की जो बूंदें होती अर्थात जो ओस होता है वो हीरे के समान चमकने लगता है। तो उसी तथ्य को कवि ने यहाँ पर बताया है कि उषा अर्थात सुबह ने हंस कर जो है उस किरणों का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और उनको कैसा हार पहनाया है, हीरो का हार पहनाया है। दूसरी पंक्ति देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब इस पंक्ति में कवि ने हमारे देश में ज्ञान शिक्षा विद्या इनका प्रसार कैसे हुआ और इनका प्रसार और इनका उद्भव होने के बाद हम लोगों ने वह ज्ञान अपने तक ही नहीं रखा, उस चीज़ को हमने क्या किया, पूरे विश्व में पूरे संसार में फैलाया। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले हम खुद जगे अर्थात हमने खुद में शिक्षा का ज्ञान का जो है प्रसार किया, खुद को हमने शिक्षित किया और उसके बाद हम पूरे लोक अर्थात पूरे संसार
में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने लगे। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो सबसे पहले हमने खुद को शिक्षित किया, उसके बाद पूरे विश्व पूरे संसार से हमने अशिक्षा रूप अंधकार को निकाल फेंका और शिक्षा रूपी आलोक का प्रसार हमने हर तरफ कर दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो क्या होता है, अंधकार अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे घर में हम छोटा सा दीप भी अगर प्रज्वलित करते हैं, जलाते, तो क्या होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो अपने आप क्या हुआ, संसार से अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अर्थात व्योम, व्योम का अर्थ होता आकाश। तो पूरे आकाश में जो अब तक अंधकार रूपी तम, तम अर्थात अंधकार, अंधकार जो है फैला हुआ था, कौन सा अंधकार, अज्ञानता का अंधकार जब फैला हुआ था, तो जैसे उसे ज्ञान मिला, ज्ञान रूपी प्रकाश मिला, तो अंधकार अपने आप नष्ट हो गया। अंधकार का पुंज मतलब समूह अपने आप नष्ट हो गया और सारी सृष्टि जो है प्रकाशवान हो गई। तो यहाँ पर अखिल का अर्थ है सारी, संस्कृति पूर्व संसार, अशोक, अशोक का अर्थ होता है जिसके अंदर दुख ना हो, शोक, शोक शब्द के पहले उपसर्ग अ लग गया है, तो अर्थ का अ का अर्थ यहाँ पर क्या है, न, अर्थात जब शोक समाप्त हो जाता है तो चारों तरफ क्या होता है, प्रसन्नता फैल उठती है। तो जब ज्ञान का प्रकाश चाहू और फैल गया तो सब जगह क्या हो गया, पूरी सृष्टि कैसी हो गई, अशोक हो गई, अर्थात उसके अंदर से दुख समाप्त हो गया, शोक खत्म हो गई। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तप मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने ली, विमल का अर्थ होता है बिना मल के, अर्थात स्वच्छ, बिना मल के अर्थात स्वच्छ, मल मतलब होता है मैल, यहाँ पर वीर जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। विमल वाणी ने वीणा ली, वाणी स्वर, तो यहाँ पर वीणा किसके हाथ में है, सरस्वती देवी जो ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। तो यहाँ पर तब भारत में सबसे पहले ज्ञान की जो देवी हैं सरस्वती माँ ने सुर स्वर स्वर को उन्होंने सब जगह फैलाया। उन्होंने अपने हाथ में वीणा ले करके, वीणा आपको पता है जो माता सरस्वती के हाथ में होता है एक वाद्य यंत्र। कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल का अर्थ आपको पता है, कोमल का अर्थ भी आपको पता होगा, मुलायम नाजुक। कर का हर अर्थ यहाँ पर है हाथ, सप्रीत प्रीत के सहित, प्रीत के साथ, स यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है प्रीत के आगे, तो किसी भी अगर शब्द के पहले स उपसर्ग लगता है उसका अर्थ होता है साथ, यहाँ पे प्रेम के साथ। तो जब यहाँ पर ज्ञान की देवी ने अपने हाथ में, अपने कोमल कमल रूपी हाथ में वीणा ले करके प्रेम सहित सबको ज्ञान देना शुरू किया, स्वरों का ज्ञान देना शुरू किया, तो उसका यह परिणाम हुआ सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तप मधुर साम संगीत। तो सात स्वर जो है सातों सिंधु में अर्थात सात समुन्द्र में छिड़ उठे और उसके बाद एक मधुर संगीत का निर्माण हुआ और एक साम संगीत, साम मतलब हमारे पास जो साम वेद है उस वेद की रचना हुई। तो यहाँ सामवेद नामक महान जो है ग्रंथ लिखा गया, वेद लिखा गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर संगीत जो है संगीत उत्पन्न हुआ और संगीत के कारण चारों ओर सब जो सकल सृष्टि है वो संगीतमय हो गई। आइए अब अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। इस
पंक्ति में बताया गया है कि हमारा भारत देश जो है हमेशा से ही धर्म की राह पर चला है। यहाँ के लिए लड़ाई, झगड़ा, युद्ध ये कभी भी जो है महत्व नहीं रखता, यह हमेशा जो है शांति की राह पर चलना चाहता है। यही कारण है कि हमारी धरा पर बहुत से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर शांति और प्रेम धर्म के रास्ते को अपनाया है। तो कविता का अर्थ देखते हैं, विजय केवल लोहे की नहीं, यहाँ पर लोहा का अर्थ है तलवार, गोले, बारूद, वो अस्त्र और शस्त्र जिसके द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं। धर्म की रही दरा पर धूम, तो यहाँ पर हमने कभी भी युद्ध को प्रधानता नहीं दिया है, धर्म को की प्रधानता दी है। धर्म की रही धरा पर धूम अर्थात हमने हमेशा धर्म का मार्ग ही अपनाया है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, हमारे देश में बहुत से ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर एक सामान्य से भिक्षु हो करके घर घर जा कर के भिक्षा मांगते थे, उसी द्वारा अपना पेट भरते थे और दूसरों को ज्ञान बांटा करते थे, ज्ञान का प्रकाश जो है प्रकाश चहुओं फैलाया करते थे, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाया करते थे। तो ऐसे भिक्षुओं में कौन है? सम्राट अशोक, वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध। आप लोग को पता ही होगा कि ये तीनों जो थे महान शासक थे, लेकिन इन लोगों ने धर्म का मार्ग अपनाया और लोगों में धर्म और शांति का जो है संदेश फैलाया। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब इस कविता की पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि हमारे देश में दुश्मनों को भी दया के रूप में छोड़ दिया जाता है, उन्हें मृत्यु दंड न दे करके उन पर दया दिखा करके उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। यवन नाम का जो एक राजा था उसे भी जो है दया के भावना से मुक्त कर दिया था, उसे दंडित नहीं किया गया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और चीन को भी हमने धर्म का रास्ता दिखाया है। किस तरह से? आप लोग को पता ही होगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है चीन में किया। चीन का अपना कोई धर्म नहीं था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को किस प्रकार अपनाया? जब उन्हें बौद्ध धर्म जो है भारत के द्वारा चीन में प्रसार प्रसार उसका किया गया, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना धर्म मान लिया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। अब यहाँ पर स्वर्ण भूमि को रत्न अर्थात जावा का नाम स्वर्ण भूमि, और उनको क्या रत्न मिला गया था? बौद्ध धर्म के जो रत्न उन्हें बताए गए हैं, बौद्ध धर्म में तीन रत्न कहे गए, वो शील की सिंहल को भी सृष्टि। शील जो पंच शील बताए गए हैं बौद्ध धर्म, जो पंच शील हैं आप लोग को पता ही होगा, पंच शील कौन कौन से हैं? अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये पांच जो हैं शील बौद्ध धर्म में माने गए हैं। सिंहल का अर्थ यहाँ पर है श्रीलंका के लिए। ताकि पंक्ति में कहा गया है कि हमारे देश की यह महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर दान, दया ये चीज़ें मुख्य हैं। धर्म जो कि हमने चीन को धर्म दिया है, लेकिन आज की स्थिति से हम सभी भली भांति परिचित हैं कि बार बार चीन को प्रेम पूर्वक समझाने पर भी वह अपनी दृढ़ता से बाज नहीं आ रहा है। तो फिर भारत जो है धर्म के रास्ते को अपनाते हुए अब युद्ध की भी तैयारी कर रहा है, युद्ध से भी उनसे निपट रहा है, क्योंकि हमारा एक धर्म ये भी है ना कि पहले उन्हें प्रेम से समझाओ, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर उन्हें दंडित करो। महाभारत में भी एक कहा गया है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो एक धर्म हमारा ये भी है कि हम न्याय के लिए लड़ें।
मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो इस तरह से हमने जो है जावा को त्रिरत्न दिए बौद्ध धर्म के माध्यम से, और श्रीलंका को बौद्ध धर्म के पंचशील दिए गए हैं। अगली पंक्ति देखते हैं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ही। और हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम कभी भी दूसरों का हक, दूसरों का हिस्सा कभी छीनते नहीं हैं। प्रकृति का रहा पालना ही है, और ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है, हमारे पालने अर्थात हमारे संस्कार ही, हमारा लालन पालन ही इसी प्रकार हुआ है कि हमने कभी किसी की भी चीज़ पर अपनी कुदृष्टि नहीं डाली है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। और ये जो जन्मभूमि है, ये भारत जो है हमारी जन्मभूमि है, ये आर्यों की भूमि, हम आर्यों की संतान हैं। और जैसा कहा जाता है कि हम कहीं दूसरे देश के निवासी हैं, तो ऐसा नहीं है, ये देश हमारा है, हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए नहीं हैं। आइए अगली पंक्ति का आप देखते हैं, चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यहाँ पर अर्थ देखते हैं, चरित्र मतलब चरित्र, पुत पुत्र, भुजा अर्थात बाहुबल, अपने हाथ, शक्ति का अर्थ आपको पता ही होगा, नम्रता मतलब दया, सदा हमेशा संपन्न, संपन्न का अर्थ होता है हर सुविधाओं से सज्जित होना। विपन्न का अर्थ है यहाँ पर गरीब, दीन व्यक्ति। संपन्न और विपन्न दोनों एक दूसरे की क्या है, विलोम है, विरुद्धार्थी है, याद रखिएगा, संपन्न का विरुद्धार्थी विपन्न, विपन्न का विरुद्धार्थी संपन्न। इस पंक्ति में बताया गया है कि यहाँ के जो पूत थे अर्थात पुत्र थे, वो चरित्रवान थे, यद्यपि उनके भुजाओं में असीम शक्ति थी, फिर भी वो सदा नम्र ही बने रहते थे, हमेशा नम्रता से संपन्न रहा करते थे। और इसका एकदम सटीक उदाहरण है प्रभु श्री रामचंद्र, इतने अधिक चरित्रवान, इतने अधिक शक्तिशाली, लेकिन विनम्रता उनके अंदर भरी हुई थी, हृदय के गौरव में था गर्व, लेकिन उनके हृदय में क्या था, गर्व था। गर्व किस लिए था, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, किसी को देख न सके विपन्न। और साथ ही उनके अंदर दया की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी कि वे किसी को गरीबी की स्थिति में देखना पसंद नहीं करते थे, गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहा करते थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का अर्थ यहाँ पर है आदत। तो हमारी प्रकृति क्या था, हमारी प्रकृति क्या थी, हमारा स्वभाव क्या था कि हमारे संचय में था दान, हमारे पास जो कुछ भी संचय था, जो हम एकत्र करते थे, वो दूसरों को दान करने के लिए एकत्र करते थे। हमारे देश में इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं कि जिन्होंने दान करने में अपने प्राणों को भी दाव पर लगा दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो दानी था वो कौन था, कर्ण। अतिथि थे सदा हमारे देव, और हमारे यहाँ पर कौन सी परंपरा है, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। अरे हमारी परंपरा आज भी कायम है, हम मेहमान का स्वागत जो है वो देवताओं के समान करते हैं। वचन में सत्य, और जो कहा करते थे वो उसे सत्य साबित किया करते थे। राजा हरिश्चंद्र जो अपने सत्य बोलने के लिए आज भी जाने जाते हैं। हृदय में तेज, उनके हृदय में क्या था, तेज था। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और एक बार उन्हें किसी चीज़ की प्रतिज्ञा ले ली, वचन दे दिया किसी को, तो उस पर वे अटल रहते थे।
उनकी आदत थी कि वो अगर प्रतिज्ञा ले लिए तो जिस चीज़ की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वे उसे अपने प्राणों की बलि देकर भी निभाया करते थे। तो ऐसी हमारी संस्कृति है, जहाँ हम दान करते हैं तो दूसरों की भलाई के लिए भी सोचते हैं। आज भी जितने भी हमारे देश में धर्म है, उन सभी धर्मों में दान की जो बात कही गई है कि गरीबों को दान करना है, वो उसी इतिहास का परिचायक है। अतिथि की पूजा हम हर एक धर्म करते हैं, अतिथियों का सम्मान, वचन में सत्य, सत्य वचन बोला करते थे। ये सब हमारी क्या है, ये हमारी महानता है। भगवान श्री रामचंद्र जिन्होंने हमेशा अपनी प्रतिज्ञा जो है उसका पालन किया, जो प्रण लिया उसका पालन किया, भीष्म पितामह उन्होंने भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, और ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिल जाएंगे इतिहास के पन्नों में। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, जो आज भी हमारा वह देश जो है वही है, वही है रक्त, अर्थात हम जो भारतवासी हैं आज भी आधुनिक समय में उसी रक्त के हैं, अर्थात जो हमारे बड़े बड़े महान पूर्वज हुए हैं हम उन्हीं का रक्त है, उन्हीं के हम वंशज हैं। तो वो गुण हमारे अंदर आज भी विद्यमान है, और वही देश भी है, वही साहस, वह साहस आज भी हमारे अंदर कायम है, बना हुआ है, और वैसा ही ज्ञान हमारे अंदर है कि हम निरंतर ज्ञान का विकास करके अपने देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। वही है शांति, और हमारे अंदर आज भी वही शांति की भावना है कि हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, शांतिपूर्वक जियो और जीने दो वाली बात को हम मानते हैं। वही है शक्ति, लेकिन हमारे अंदर अदम्य शक्ति भी है। शांति चाहना ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर वो ताकत भी है। वही हम दिव्य आर्य संतान, हम उसी आर्यों के संतान हैं जो दिव्य थे, जिनके पास असीम ताकत थी, लेकिन उन्हें शांति का मार्ग अपनाया, उन्हें धर्म का मार्ग अपनाया। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। और अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस तरह से हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, और जिस तरह से हमारे भारत का गौरव कायम है, तो हमारे मन में हमेशा यही भावना आनी चाहिए कि अगर हम जिए तो हमेशा इसी के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए, इस देश के गौरव और सम्मान के लिए जिए। निछावर कर दे हम सर्वस, निछावर समर्पित कर दे सर्वस सब कुछ हमारा प्यारा भारतवर्ष, और अपने भारत की इस गौरव को बचाने के लिए, सहेजने के लिए हम अपना अगर सब कुछ भी निछावर कर दे तो भी कम है, क्योंकि हमारे लिए सबसे प्यारा क्या है, हमारा भारतवर्ष, हमारी जन्मभूमि, हमारा ये जो देश है, इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो इसके मान सम्मान आन के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आइए अब स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाना है, तो संचय का दान, अतिथि देव, वचन सत्य, हृदय तेज। अब अगला देखते हैं। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम लिखिए, तो इसमें पहला है लोहा, दूसरा है सोना। देखिए हीरा मत लिखिएगा, वो धातु नहीं है, वो पत्थर है। अगला है भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं क्या है, एक तो हम शांति चाहते हैं तो शांति प्रिय, दूसरा अतिथियों का सत्कार करते हैं तो अतिथि सत्कार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो लाभदायक लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।